सो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शमसुख खान और आप देख रहे हैं अजमली इंटरनेशनल। हमेशा की तरह कल जब रिकॉर्डिंग गल्फ के न्यूज़ की रिकॉर्डिंग आप लोग के सामने नई नई वैकेंसी और अपडेट लाता रहता हूं, तो आज मैं लेकर आ गया हूं आप लोग के लिए एक वैकेंसी। जो वैकेंसी है वो है सऊदी अरबिया की। सऊदी अरबिया की मशहूर कंपनी जो बहुत ही लोगों ने वेट का किया हुआ था कि भाई उस कंपनी जब भी काम आएगा तो उनको बताइएगा आप, तो बता दूँ उस कंपनी काम आ चुका है जिसको सबको बेसब्री से इंतजार रहता था, अल तमीमी काम आ चुका है जिसका क्लाइंट इंटरव्यू इसी महीने की 20 तारीख को होगा। जो कैटेगरी है वो बताने से पहले बता दूं, जिन भाइयों ने हमारा चैनल अजमली इंटरनेशनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे गुजारिश करता हूं कि वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आने वाली अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल सके। शुरू करते हैं। पहला है टैंक डिजाइन इंजीनियर चाहिए, सैलरी होगी 5500 रियाल से लेके 7000 रियाल तक और उनकी जो ठीक है। नेक्स्ट है साइट इंजीनियर चाहिए, शट डाउन वाले सैलरी होगी 5500 रियाल से लेके 7000 रियाल तक। शट डाउन प्लानिंग इंजीनियर चाहिए, सैलरी होगी 5000 रियाल से लेके 6000 रियाल तक। सुपरवाइजर मैकेनिकल चाहिए, सैलरी होगी 4500 रियाल से लेके 4500 रियाल से लेके 5500 रियाल तक। क्यूसी इंस्पेक्टर मैकेनिकल चाहिए, सैलरी होगी 4500 रियाल से लेके 6000 रियाल तक। फोरमैन चाहिए मैकेनिकल वाले, सैलरी होगी 2500 रियाल से लेके 3500 रियाल तक। ड्राफ्ट्समैन टैंक्स वाले चाहिए, सैलरी होगी 3000 रियाल से 4000 रियाल तक। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर चाहिए, सैलरी होगी 1500 से लेकर 1800 रियाल तक। स्टोर कीपर चाहिए, सैलरी होगी 1800 रियाल से लेके 2500 रियाल तक। मटेरियल कोऑर्डिनेटर चाहिए, सैलरी होगी 1800 से लेके 2200 रियाल तक। ऑटो मैकेनिक चाहिए, सैलरी होगी 1500 से लेकर 1800 रियाल तक। मैकेनिकल फिटर चाहिए, सैलरी होगी 1100 से लेकर 1400 रियाल तक। रीगर चाहिए, सैलरी होगी 1100 से लेकर 1300 रियाल। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन चाहिए, सैलरी होगी 1300 से लेकर 1500 रियाल तक। पाइप फैब्रिकेटर चाहिए, सैलरी होगी 1300 से लेकर 1600 रियाल तक। हाइड्रो जेटर्स वाले चाहिए, सैलरी होगी 1600 से लेकर 2500 रियाल तक। बोल्ट टॉर्किंग टेक्नीशियन चाहिए, सैलरी होगी 2200 रियाल से लेकर 2500 रियाल तक। मल्टी वेल्डर चाहिए टैंक वाले, सैलरी होगी 1800 से लेकर 2000 रियाल तक। टैंक वेल्डर चाहिए 3G वाले, सैलरी होगी 1000 से लेकर 1300 रियाल तक। असिस्टेंट फिटर एंड हेल्पर चाहिए, सैलरी होगी 900 रियाल तक। मिल राइट वाले चाहिए, सैलरी होगी 1300 से लेकर 1800 रियाल तक। ड्यूटी आपका 8 घंटे तक का होगा और एज जो है आपका 21 साल से लेकर 40 साल तक चलेगा, प्लस फूड आपका अलग से रहेगा। फूड आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी, फूड जो है आपको कंपनी तरफ से फ्री दिया जाएगा। ड्यूटी पर है तब भी, ड्यूटी में रहेंगे तब भी। अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल, फूड ये सभी से कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। पासपोर्ट आपका ECR हो तभी चलेगा, ECNR हो तभी चलेगा। तो याद रखिएगा इसमें अप्लाई करने के आप लोग करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को मुझे कॉल करना है, जो मुझे मेरे दो नंबर दिख रहे हैं आपको इसी स्क्रीन पे, इस पर आपको ट्राई करके कॉल करना है। कॉल करने का टाइम सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक है और संडे ऑफ रहता है। कॉल करके आपका नाम, नंबर, पासपोर्ट नंबर और ट्रेड इन सभी चीज़ों की एंट्री करा देंगे, क्योंकि जिसकी एंट्री रहती है उसका इंटरव्यू पहले होता है और जिसकी एंट्री नहीं रहती है वो ऑन टाइम जिस हिसाब से आएगा उसके हिसाब से उसकी एंट्री होगी, उस हिसाब से वो इंटरव्यू देगा, ठीक है, क्योंकि भीड़ का हिस्सा वो बनता चला जाएगा। तो ये फायदे होते हैं एंट्री कराने के और एंट्री ना कराने के। और ये भी क्या है, आप मुझे कॉल कर रहे हैं आपका मैं कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ, तब उस वक्त क्या करना होगा, आपको मुझे व्हाट्सअप करना होगा। मेरे दो नंबर पर व्हाट्सअप है। आपको करना ये है कि अपने डॉक्यूमेंट्स में साइन कर कंपनी का नाम लिखकर मैसेज कर देना है, जैसे कि इसके अल्तमीम में काम है तो डॉक्यूमेंट साइन करके अल्तमीम लिखकर मैसेज कर देना है आपको, ठीक है। और एंट्री कराने से ही फायदा होता है कि अगर आपका इंटरव्यू जो पोस्टपोन वगैरह हो जाता है तो आपको टाइम से पहले ही कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया जाता है और नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए आपको इन्फॉर्म भी कर दिया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।